2024 आर्नोल्ड क्लासिक को होने में 70 डेज ही बचा है। जहां पर क्लासिक फिजिक की बात करें तो अभी तक 12 एथलीट्स का नाम लिस्ट आउट हो चुका है कम्पीट करने के लिए। तो देखते हैं कौन है वो 12 बॉडी बिल्डर्स जो क्लासिक फिजिक से कम्पीट करने वाले हैं 2024 आर्नोल्ड क्लासिक में। फर्स्ट बॉडी बिल्डर है डेरिन फेरल फ्रॉम आयरलैंड, जिन्होंने लास्ट टाइम 2022 मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उन्होंने टॉप 15 से बाहर प्लेस किया। सेकेंड बॉडी बिल्डर है डेमियन पैट्रिक फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने अक्टूबर में अल्टीमेट वॉरियर प्रो को जीत के 2024 ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। जिसके बाद रिसेंटली उन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया में भी कम्पीट किया था, जिसमें उनका प्लेसिंग टॉप 15 से बाहर आया। थर्ड बॉडी बिल्डर है टू टाइम क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन एंड फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक विनर ब्रियोन एंसली फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने इस साल भी मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उनको फोर्थ प्लेस मिला। फोर्थ बॉडी बिल्डर है डिफेंडिंग आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन रेमोन डिनो फ्रॉम ब्राजील, जिन्होंने रिसेंटली मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर इस बार भी उनको सेकंड प्लेस मिला। तो देखते हैं वो इस बार उनका टाइटल डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। फिफ्थ बॉडी बिल्डर है एरिक ब्राउन जूनियर फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने इस साल फिट वर्ल्ड प्रो को जीत के ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उन्होंने टॉप 15 से बाहर प्लेस किया। सिक्स्थ बॉडी बिल्डर है अर्स कैलेसिंस्की फ्रॉम जर्मनी, जो लास्ट टाइम आर्नोल्ड क्लासिक में सेकंड आए थे, जिनको रिसेंटली ओलंपिया में भी थर्ड प्लेस मिला, जिसके बाद उन्होंने टेक्सास स्टेट प्रो एंड प्राग प्रो में भी कम्पीट किया था, जहां पर दोनों शोज में वो फर्स्ट आए। सेवेंथ बॉडी बिल्डर है टू टाइम आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन टेरेंस रफिन फ्रॉम यूएसए, जिन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उनको फिफ्थ प्लेस मिला, और उसके बाद उन्होंने सेरू क्लासिक इंडिया प्रो में भी कम्पीट किया, जिसको जीत के वो क्वालिफाई हो चुके 2024 मिस्टर ओलंपिया के लिए। एथ बॉडी बिल्डर है इमैनुअल रिकॉर्टी फ्रॉम इटली, जिन्होंने 2022 मिस्टर ओलंपिया में टॉप 15 से बाहर प्लेस किया था, और लास्ट टाइम उन्होंने इस साल के मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो में कम्पीट किया था, जहां पर वो सिक्स्थ आए थे। नाइन्थ बॉडी बिल्डर है करेज ओपारा फ्रॉम यूएसए, जो पिछले बार के आर्नोल्ड क्लासिक में फोर्थ आए थे, जिन्होंने लास्ट टाइम इस साल के सितंबर में सैन एंटोनियो प्रो में कम्पीट किया था, जिसको जीत के वो ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाइड थे, जहां पर इस बार उन्होंने कम्पीट नहीं किया। टेंथ बॉडी बिल्डर है माइकल डबुल फ्रॉम यूके, जिन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उनको सिक्स्थ प्लेस मिला, और उसके बाद रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रिया प्रो में भी कम्पीट किया था, जिसको जीत के वो क्वालिफाई हो चुके 2024 मिस्टर ओलंपिया के लिए। इलेवेंथ बॉडी बिल्डर है एंटोनी लॉथ फ्रॉम स्पेन, जिन्होंने अक्टूबर में लॉजनिंग्स प्रो को जीत के 2024 ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया में भी कम्पीट किया था, जहां पर उनको टॉप 15 से बाहर प्लेस मिला। ट्वेल्थ बॉडी बिल्डर है वेस्ली विसर्स फ्रॉम नीदरलैंड्स, जिन्होंने इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया था, जहां पर उनको सेवेंथ प्लेस मिला, और उसके बाद उन्होंने रोमानिया मसल फेस्ट प्रो में भी कम्पीट किया था, जिसको जीत के वो क्वालिफाई हो चुके 2024 मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो यही है वो 12 क्लासिक फिजिक एथलीट्स जो अभी तक कन्फर्म हो चुके 2024 आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने के लिए, जो फर्स्ट 3 मार्च को कोलंबस ओहियो में होगा। अभी भी शो को होने में 10 वीक्स बचा है, जहां पर आने वाले दिनों में इस लिस्ट में और भी एथलीट शामिल हो सकते हैं शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन रेमोन डिनो, जो इस बार मिस्टर ओलंपिया में सेकंड आए थे, उनके लिए भी इस बार उतना इजी नहीं होने वाला है, खासकर अर्स कैलेसिंस्की, जिन्होंने ओलंपिया के बाद 200 में कम्पीट किया था, जहां पर वो ओलंपिया के कंपैरिजन से काफी इंप्रूव्ड एंड बेटर पैकेज लेकर आए थे, जो काफी चैलेंजिंग बन सकते हैं रेमोन डिनो के लिए। बाकी ब्रियोन एंसली, टेरेंस रफिन, माइकल डबुल एंड वेस्ली विसर्स भी बेटर पैकेज लेकर आएंगे तो काफी चैलेंजिंग बन सकते हैं, खासकर ब्रियोन एंसली एंड टेरेंस रफिन, जो क्रिस पॉम्पस्टेड, रेमोन डिनो एंड अर्स कैलेसिंस्की के साथ टॉप 5 में शामिल थे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिसेंट बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के साथ। थैंक यू।